एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगर्स। यस, मैं हूं निधि और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक ऐसा सीरम जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मैं सीरम आपको मैं ऑनेस्टली बताती हूं, मैं जब भी हेयर वॉश करती हूं मैं हर बार सीरम नहीं लगाती हूं। जैसे कि मैं अगर वीक में तीन बार मैं अगर अपने हेयर वॉश करती हूं तो मैं तीनों बार सीरम नहीं लगाती हूं, मैं ज्यादा दो बार ही सीरम लगाती हूं। तो जब से ये सीरम आया है तब से मैं इसी को यूज कर रही हूं और वो सीरम है ये बायोटिका बायोलेज स्मूथ प्रूफ एवोकाडो सीरम। और ये बहुत अच्छा सीरम है, मुझे बहुत अच्छे से सूट किया है। इससे पहले मैं लिवॉन सीरम यूज कर रही थी बट वो बहुत सारे लोगों को वो सूट करता है, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं उसके और बहुत सारे लोगों के बालों में वो सूट करता है, लेकिन वो मुझे सम ऑफ द रीजंस कि मुझे वो सूट नहीं किया। मुझे ना वो थोड़ा सा स्टिकी लगता है, मैं जब उसको लगा लेती हूँ तो मेरे हेयर्स ऑयली हो जाते हैं, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है और मैंने ये वाला मंगवाया है। इसको मैंने बहुत सारे रिव्यू देख के मंगाया था कि देखते हैं ये किस तरह का है, और यार ये बहुत ही अच्छा है। मेरे बालों पे ना इसने बहुत अच्छे से वर्क किया है, आप देख सकते हैं। अभी आज मैंने हेयर वॉश किया और मैंने यही लगाया, आप देखिए उंगलियां कितने अच्छे से ना बालों में निकल रही है, बहुत ही सॉफ्ट बना देता है बालों को, बहुत अच्छा है। चार पांच बार मैंने इसको यूज किया होगा, मैं बहुत ज्यादा सीरम भी नहीं लगाती हूँ, मैं हार्डली दो या तीन ड्रॉप्स मैं अपने सीरम की लेती हूँ। और सीरम के लिए एक और यूज मैं आपको बताती हूँ, आप अपने सीरम को अपने हेयर मास्क में भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है आपके बालों को। अगर आपने अपने सीरम को अपने हेयर मास्क में मिलाएंगे तो आप इसको हेयर मास्क में भी मिला सकते हैं, आपको किसी एम्प्यूल की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है हेयर स्पा के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना सीरम उसके अंदर मिला सकते हैं, किसी एम्प्यूल की आपको जरूरत नहीं है। तो हेयर सीरम बहुत तरह से वर्क करता है। तो अगर आपको कभी अपने बाल ना बहुत ज्यादा उड़े उड़े से लग रहे हैं, आई मीन इस तरह से फ्रिजी से लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ना अजीब से हो गए हैं, उड़े उड़े से बहुत ही खिले खिले से लग रहे हैं आपको, तो आप अपना थोड़ा सा सीरम लगाकर उनको आप बैठा सकते हैं, उनको आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये ट्रिक मैं अपनाती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि बहुत से लोगों के हेल्प हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों के हेयर्स ना बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, जब आप हेयर वॉश कर लेते हैं कई बार ऐसा होता है सीरम लगाने के बाद भी आपके ना बाल यहाँ से थोड़े से इतने ज्यादा खिल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब से होते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा सीरम लगा के भी उसका आप सेट कर सकते हैं, स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्टाइलिंग करते हैं तो सीरम आपके लिए मस्ट है, आपको लगाना चाहिए। आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है, आपके बालों को जो भी आप ब्लो ड्रायर या फिर कोई भी स्ट्रेटनिंग वगैरह आप यूज करते हैं आपको वो नुकसान नहीं करेगा। तो आप इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं और ये वाला सीरम बहुत अच्छा है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइसिंग है 295 रुपीज। और यार मैंने ना इसको मार्केट से खरीदा है और मार्केट से ये मुझे 250 में मिला है और ये बहुत अच्छा है। 3 साल शेल्फ लाइफ आपको इसमें आराम से मिल जाएगी और आई थिंक 100 ml की आपको इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल रही है। इस तरह से फ्लिप टॉप में आता है ये देखिए, आप ट्रेवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी जाएंगे आपका प्रोडक्ट निकलेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए आप ये देख सकते हैं, आप बिल्कुल भी ना, ये देखिए बिल्कुल एकदम से ना थोड़ी सी देर में आपके हैंड्स में से गायब हो जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट बाद आपको पता ही चलेगा। और आप ये पीछे देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, जैसे भी आप इसको लगाएंगे आप अपने बालों में इसको लगा सकते हैं। सीरम आप हमेशा अपने बालों में यहां यहां नीचे लगाया कीजिए, इसको आप ऑयल की तरह इसकी मसाज नहीं होती है, सिर्फ आप इतने बालों में ये नीचे के जो आपके बाल होते हैं जो आपकी ये यहाँ पे जहां पे स्प्लिट हैंड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है आप यहाँ पे लगाया कीजिए। और दैट्स वाई और आई मीन और कहीं भी आपको इसको लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप यहीं पे लगाया कीजिए, आपके बाल सुलझ जाएंगे और बहुत अच्छे से आपके बालों को ये सेट कर देगा। तो आप इस सीरम को अगर आपको कोई भी सीरम सूट नहीं कर रहा है तो आप एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा सीरम है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि मेरे बाल ऑयली है, मुझे हर 2 दिन के बाद अपने हेयर्स वॉश करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ऑयली है, अगर मैं कोई भी ऑयली चीज यूज करती हूँ तो मेरे बालों में बहुत जल्दी से ना एकदम और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है, इसीलिए मैं इसी को लगाती हूँ। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इसको लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चाहे तो इसको ले सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, मार्केट में तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को हिट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।